नमस्कार दोस्तों, मैं केएसपी सोनू लेकर आया हूँ आपके लिए डेली जीके करंट अफेयर। दोस्तों हम यहाँ डेली जीके करंट अफेयर तो तैयार करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें भी हम हाथों हाथ कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊँचा तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई। दोस्तों मुंबई के मैजेस्टिक हज हाउस को छत पर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। और दोस्तों इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 350 फीट। और दोस्तों ये झंडा किसने फैलाया है? तो यह है अल्पसंख्यक मामलों के हमारे मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नबी, उन्होंने ये झंडा फहराया है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 की शुरुआत कहाँ की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हंगरी। दोस्तों हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 की शुरुआत की गई है। दोस्तों हंगरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों हंगरी कैपिटल है बुडापेस्ट, यहाँ की करेंसी है फोरिंट, और यहाँ के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोनस एडर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों 22 अक्टूबर 2018 को महाराष्ट्र में हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं जो भी हैं। यहाँ के सीएम कौन है महाराष्ट्र के? देवेंद्र फडणवीस हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव, और यहाँ की कैपिटल है मुंबई। और दोस्तों मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बर्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों सही आंसर है सज्जन जिंदल। दोस्तों इनका कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष के लिए। और दोस्तों अगर बात करें कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2018 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों ये देख लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। दोस्तों एक प्रकार से हड्डियों का एक रोग होता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर होने जाती हैं और जल्दी से क्रैक हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी की जागरूकता के लिए यह 20 अक्टूबर को प्रत्येक बार 20 अक्टूबर को प्रत्येक ईयर में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। दोस्तों यह IOF यानी इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा 20 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के 4th संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत दोस्तों दिसंबर 2018 में ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के 4th संस्करण की मेज़बानी करेगा। ग्लोबल पार्टनर्स फोरम होता क्या है? यह महिलाओं और बच्चों जो किशोर होते हैं उनके स्वास्थ्य की चर्चा के लिए एक फोरम बनाया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास के लिए कार्नेट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। दोस्तों पीयूष गोयल को कार्नेट पुरस्कार दिया जाएगा। कार्नेट पुरस्कार होता क्या है? दोस्तों यह होता है जो ऊर्जा नीति के विशिष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का कार्नेट पुरस्कार पीयूष गोयल को दिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2019 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों जैसा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2019 जो है वो चीन में आयोजित किए जाएंगे, और यह अंतर्राष्ट्रीय खेल का अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल का कौन सा संस्करण है? यह 7वां संस्करण है। और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। और दोस्तों इसमें जो इस बार के 2019 के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल होंगे उसमें खेलों की टोटल 27 श्रेणियाँ होंगी, जिसमें टोटल मिलाकर 329 प्रतियोगिताएँ होंगी। दोस्तों 2019 के जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल होंगे उसमें खास बात यह है कि बैडमिंटन, टीटी और पुलिस जिम्नास्टिक इसमें पहली बार शामिल होंगे इन खेलों में। दोस्तों इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत 1995 में हुई थी, और इससे पहले ये भारत में एक बार आयोजित हो चुके हैं 2007 में। यह अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित किए जाते हैं, और इस बार का जो शुभंकर रहा है इनका वो है बिंग। ये एक प्रकार की मछली होती है, मछली की प्रजाति होती है। और दोस्तों इनका प्रतीक है कबूतर, सितारा और रिवन आदि, और इनका नारा है सैन्य गौरव विश्व शांति। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन कवर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 जूनियर में अलग व्यक्ति ने जीता है और सीनियर में अलग व्यक्ति ने जीता है। दोस्तों जूनियर में जीता है अर्शदीप सिंह ने, जो कि पंजाब के हैं। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने दो उल्लियों की फ़ोटो ली थी। लेकिन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो सीनियर में जीता है वो जीता है मार्सल बैन ऑस्टेन ने। ये सीनियर के हैं, सीनियर कैटेगरी में हैं और ये डच के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने क्या करा है, मार्सल बैन ऑस्टेन ने, इन्होंने दो बंदरों की फ़ोटो ली है जो चाइना की लुप्त प्राय प्रजाति होती है। ये देखिए फ़ोटो, ये जो दो बंदर हैं ये चाइना की लुप्त प्राय प्रजाति में आते हैं, तो इन्हीं की फ़ोटो मार्सल बैन ऑस्टेन ने ली है। तो इसी फ़ोटो की वजह से इन्हें इस बार का द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का अधिक से अधिक लाभ अन्य व्यक्ति तक पहुँच सके। नमस्कार।